सेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करने के बारे में भूल जाओ। आपने टेस्ट सेशन को बोर्ड एग्जाम समझना है और इसके मुताबिक अपनी तैयारी को करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि टेस्ट सेशन को आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप में से एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि भैया कॉलेज के अंदर टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और साथ एकेडमी में भी टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों का जो सिलेबस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप बताएं किस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि घर वाले कहते हैं कि कॉलेज के टेस्ट सेशन को फोकस करो लेकिन अकेडमी का टेस्ट सेशन ज्यादा बेहतर है, तो आप बताएं कि दोनों का सिलेबस भी डिफरेंट है, दोनों हम एक साथ तैयार भी नहीं कर सकते, तो किस पर ज्यादा फोकस किया जाए, किसको थोड़ा लाइट ले लिया जाए। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि अगर स्कूल या कॉलेज के टेस्ट सेशन के साथ आप अकेडमी का टेस्ट भी देना चाह रहे हो तो इसको किस तरह से मैनेज करना है, कैसे दोनों की प्रिपरेशन करनी है और एट द एंड कौन सी चीजें में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी और ज्यादा हमें अपने मार्क्स लेने में हेल्प करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये देख लेना है कि आपने स्कूल और या कॉलेज है उसके साथ एकेडमी का आप लोग पहले ये देखो कि आप कौन से टेस्ट को ज्यादा अच्छी तरह तैयार कर सकते हो, यानी कि आपके पास जो सिलेबस आया होगा टेस्ट सेशन का पूरा स्केड्यूल जो होता है वो आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से मैं उसको कैसे किसको ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार करूं तो मेरे नंबर ज्यादा अच्छी तरह आएंगे। आपने दोनों को सामने रखना है और उसको चेक करना स्टार्ट करना है यार किसके अंदर चैप्टर वाइज जो है वो ज्यादा है और किसके अंदर इकट्ठे ज्यादा दिया हुआ है। खासतौर पर कॉलेजेस में क्या होता है, क्योंकि टेस्ट का टाइम जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो वो दो तीन चैप्टर्स मिलाकर एक टेस्ट ले रहे होते हैं जो कि तैयार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। उसके बजाय जो एकेडमी के टेस्ट सेशन होते हैं उसमें चैप्टर वाइज होता है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, यानी कि एक टेस्ट में एक चैप्टर आ रहा होता है या मैक्सिमम डेढ़ चैप्टर जा रहा होता है। ठीक है, तो जिसका सिलेबस कम होगा वो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह तैयार कर सकते हो। देखो एक स्टूडेंट है जिसको एक दिन मिला है जिसके अंदर वो तीन चैप्टर उसने प्रिपेयर करने हैं, तो वो तीन चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर सकता, बल्कि वो एक चैप्टर ज्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकता है। तो आप ये देख लो कि किस टेस्ट के अंदर आप लोगों को कम चैप्टर है, ठीक है, कम सिलेबस है, ताकि आप उसको अच्छी तरह तैयार कर सको। जब ज्यादा सिलेबस होगा तो आप अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाओगे, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन यही चीज हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरा एक एक चीज अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि बोर्ड में नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो आप लोगों ने ये देखना है कि किस टेस्ट के अंदर जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या चीज जिसके अंदर सिलेबस जो है वो ज्यादा गैप्स के साथ है, यानी कि तीन चैप्टर फिर अगले तीन, ये इसका गैप काफी ज्यादा है, तो ये प्रिपेयर करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो बेहतर ये है कि आप उस टेस्ट की तरफ जाओ जिसके अंदर आपके पास सिलेबस जो है वो अच्छा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज ज्यादा दिया हुआ है ताकि बच्चे की प्रिपरेशन जो है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, आपने ये चीज माइंड में लाजमी रखनी है कि टेस्ट सेशन ही ऐसी वाहिद चीज है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है। इट इज अ फैक्ट, ठीक है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि टेस्ट की तैयारी तभी हो सकती है बोर्ड एग्जाम्स की जब आप टेस्ट सेशन में अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो टेस्ट सेशन के अंदर अपनी जान लगा देनी है। ठीक है, ये समझो कि कल मेरा बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उस तरह टेस्ट की तैयारी करो कि आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है। ठीक है, उस मेंटेलिटी के साथ बैठो, उस तैयारी के साथ बैठो। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ अपने बच्चों को कि आप ये नहीं एक क्रिकेटर कर सकता कि वो ये कहे कि मैं प्रैक्टिस जो है वो नहीं करता, मैं डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप खेल कर आ जाऊंगा, उसमें अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब तक वो ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करेगा, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो कभी भी खेल के नहीं आ सकता अच्छी तरह। ठीक है, इसी तरह कोई सोल्जर है, अगर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको बैटल फील्ड में भेज दो कि ये खुद ही कुछ कर लेगा। नहीं, स्टूडेंट भी इसी तरह ही है, जब तक आप अपने इस प्रैक्टिस ग्राउंड पर अपने टेस्ट सेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करने के बारे में भूल जाओ। ठीक है, पहले आपको यहां पर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, यहां पर अपनी सारी गलतियों को एनालाइज करना है, उसको ठीक करना है, और फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में फाइनल जो आपकी लड़ाई होगी आप वो लड़ने जा रहे होंगे। ठीक है, तो यू शुड फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम्स एज मच एज जैसे आप टेस्ट सेशन में करो। ठीक है, जैसा टेस्ट सेशन होगा वैसा अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम होगा, तो आपने टेस्ट सेशन को बोर्ड एग्जाम समझना है और इसके मुताबिक अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, एक अनाउंसमेंट मैं करने लगा हूं। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज हम, एक बहुत बड़ी चीज हम करने लगे हैं जो कि 3 महीने तक आपको सपोर्ट करेगी, 3 महीने तक आपके साथ होगी। ठीक है,
बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने लाजमी से मिस नहीं करना है। तो अपने इस वीडियो को, जो नए लोग आए हो, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आप कनेक्टेड हो जाओ और अपने 3 महीने आगे के डायरेक्टेड हो अपने बोर्ड एग्जाम्स की परफॉर्मेंस की तरफ, क्योंकि तुम और मैं दोनों चाहते हैं कि तुम्हारे नंबर ज्यादा आए। तो तुम अपनी तरफ से मेहनत करोगे, मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, ठीक है, और दोनों मिलाकर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट सेशन जो कि आपकी अकेडमी के, अपने स्कूल के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक पिक लेकर मुझे सेंड करनी है, ठीक है। आपके जो टेस्ट सेशन का जितना सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है आपका, आपने उसकी एक तस्वीर लेकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और काम ये करना है कि हमारी जो अकेडमी है, जिस तरह हम अपने स्टूडेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं, उस टेस्ट सेशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पूरे सिलेबस को क्रैक डाउन करेंगे, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि प्राइवेट तैयारी कर रहा है, या वो कोई अकेडमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या वो टेस्ट सेशन के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो किस तरह फ्री में टॉप क्लास, जिस तरह एक अच्छी अकेडमी अपने स्टूडेंट्स की तैयारी करवाती है, वैसे ही आप लोगों को मैं पूरा गाइडलाइन, पूरा रोड मैप शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सको। और कोई बच्चा ये ना कह सके कि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था कि मैं अच्छी पढ़ाई अफोर्ड कर सकता, ठीक है। यही मेरा एक मोटिव है कि हर बच्चे को कम से कम या फ्री ऑफ कॉस्ट, हो सके तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, लेकिन किस जगह पर पॉसिबल नहीं भी होता, ठीक है, आपको बेस्टेस्ट एजुकेशन जो है वो दी जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम जो है अब आपकी सॉल्व हो चुकी होगी कि आपने किसको लाइट लेना है, किस पर ज्यादा फोकस करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्प्रिंट होगी तो जीत होगी। अल्लाह हाफिज़।